ध्यान रहे गन्ने को बिना उपचार किए ना बोए, क्योंकि बायोस्टील वो ज्यादा महंगा नहीं होता है, उस छोटे से अमाउंट के लिए आप उसमें लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से आपका जर्नेशन भी अच्छा नहीं होता है और उसमें पैथोजन वगैरह का भी इफेक्ट होता है। तो ट्रीटमेंट करके जरूर बोए, और जिससे कि जर्नेशन भी अच्छा हो, उत्पादन भी अच्छा हो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनाश यादव आप सभी का फार्मर ऑर्गेनिक्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप साली गन्ने की बुआई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गन्ने की कटाई भी साथ में चल रही है, गन्ना साथ में भी है और साथ में फील्ड प्रिपेयर हो चुका है और उसमें नालियां भी खींची जा रही है। एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको। तो प्रथम गन्ने को आपको इस प्रकार से काटना है। आप देख सकते हैं इसको काटने के लिए उसमें कम से कम तीन आंखें या दो आंख का गन्ना ये प्रयोग कर रहा है। दो आंख का गन्ना उसको ला करके आप देख सकते हैं इस प्रकार दो आंख का गन्ना को काट करके उसके बाद में वो बावेस्टीन का घोल बनाया गया है, आपको दिखा देंगे। उसको बावेस्टीन के घोल में देते क्या है कि 40 ग्राम बावेस्टीन को 40 लीटर पानी में घोल करके उसके बाद में इस गन्ने को 5 मिनट तक उसमें डिप करते हैं। डिप करने के बाद में फिर उसकी बुआई करते हैं, जिससे कि आपको उसमें कोई भी पैथोजन वगैरह रोग जैसे बीमारियाँ ना हो, जिससे आप बावेस्टीन के घोल में गन्ना बोया गया है, डिबोया गया है। इसको 5 मिनट तक डुबो करके, अभी सर से बात की है, सर बताएं 5 मिनट तक डुबो करके इसमें बोने से होता क्या है, जो फंगस इसमें होते हैं और लगते नहीं, ये गन्ने में बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी होती है लाल करण रोग, क्योंकि फंगस जनित होती है। तो अगर बावेस्टीन से आप उसको डिप करेंगे तो वो बीमारी फैलने का चांस बहुत कम होता है। उसके बाद में बोने के बाद में नालियाँ इसमें खींच गई है, अभी खींचने के बाद में फिर इसमें रिजल्ट भी डालते हैं, जिससे कि आपका जर्नेशन भी अच्छा रहे और दीमक वगैरह का प्रकोप न बढ़ लगे। तो ये सब करने के बाद में इसमें फिर एनपीके की मात्रा देते हैं और एक अंकुश आता है एक प्रकार से बायो फर्टिलाइजर टाइप का, उसको डाल करके इसमें इसलिए लगाया जाता है जिससे कि कीड़े मकोड़े ना रहे और जर्नेशन भी अच्छा रहे। ये चीज़ आप देख सकते हैं करने के लिए बहुत ही कारगर होती है। आप देख सकते हैं खाद को भी मिलाया जा रहा है यहाँ पे, ये आप DAP वगैरह हो गई, NPK का ये है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये आपका अंकुश है, अंकुश को डालने से आपका अच्छा होता है, इसमें कीट वगैरह नहीं लगते हैं, तो जर्नेशन भी अच्छा होता है। ये देख सकते हैं नालियाँ इसमें खींच गई हैं, नालियाँ खींचने के बाद में इसमें इसको 5 से 2 आंख का गन्ना जो होता है वो करके इसमें प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, एक साली गन्ने को बुने का तरीका जो है आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ध्यान रहे गन्ने को बिना उपचार किए ना बोए, क्योंकि बायोस्टील वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है, उस छोटे से अमाउंट के लिए आप उसमें लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से आपका जर्नेशन भी अच्छा नहीं होता है और उसमें पैथोजन वगैरह का भी इफेक्ट होता है। तो ट्रीटमेंट करके जरूर बोए, और जिससे कि जर्नेशन भी अच्छा हो, उत्पादन भी अच्छा हो। तो ये जानकारी अपने किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।